अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल आप दोस्तों के। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त कहते होंगे। दोस्तों मैं हूँ मोहम्मद शबीर और आप देख रहे हैं सैटेलाइट इन्फो। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ओरिजिनल डिश टीवी जो होता है डिश टीवी HD प्लस नेक्स्ट डिश टीवी की मुकम्मल अपडेट देंगे। ये मैंने 2 फुट डिश एंटीना के ऊपर HD डिश टीवी जो है वो मैंने सेट किया है। आज HD रिसीवर को जो है इंस्टॉल भी करेंगे आपके सामने। दोस्तों ये डिश है जी, बिल्कुल 2 फुट की डिश के ऊपर मैंने इसको सेट किया। कंप्लीट देखें, LNB इस तरीके से रहेगी। कुछ दोस्त मोनो ब्लॉक LNB लगाते हैं डिश टीवी के ऊपर, लेकिन मैंने मोनो ब्लॉक नहीं लगाई, मैंने एक आम सी क्यू बैंड LNB लगा दिया। देखें मैंने कितने इसको स्टील के कील लगा दिए हैं ताकि डिश हिले ना कभी भी। देखें मैंने स्टील की कील जो है ना चलो थोड़ी लगा दी, 1 2 3 4 5 6 लेकिन मैंने कील काफ़ी लगा दी है ताकि डिश मेरी हिले ना। ये 2 फुट का डिश एंटीना है, 2.5 फुट नहीं है, ये 2 फुट का आम है। ये फोकस भी नहीं है, ये आम वैसे स्टिकर लगा हुआ फोकस का। तो अब आपके सामने जनाब ये रिसीवर है, ये रिसीवर है जनाब इसका डिश टीवी का। इस रिसीवर को हमने कम्प्लीटली जो है इसको सेट करना है। तो ये देखिए ओरिजिनल डिश टीवी का बॉक्स है, ये ओरिजिनल, ये इसका रिमोट है, देख लें आप दोस्त, ओरिजिनल रिमोट है इसका। और आज मैं आपको इसका मुकम्मल व्यू दिखाऊंगा, आपको कैसे जब नया लाते हैं तो कैसे इंस्टॉल होता है, ये कैसे अपग्रेड होता है। तो ये देखिए डिश टीवी नेक्स्ट है ये, ठीक है जी, चेक कर ले, HD है ये, ठीक है जी। उसके बाद जब स्क्रीन पर चलते हैं तो आप दोस्तों को कि ये मैंने इसको लगा दिया है सॉफ्टवेयर अपग्रेड के ऊपर। तो ये मेरा सॉफ्टवेयर जो है ये अपग्रेड हो रहा है आपके सामने, सिग्नल भी मेरा देख लें आ रहा है, क्वालिटी भी मेरी आ रही है, ठीक है जी। अब ये अपग्रेड हो रहा है, तो अभी जैसे ही कंप्लीट होगा तो आपके सामने जो है इसका व्यू आएगा। जिस TV मैंने इसको सेट किया है 12688 वर्टिकल 27500 TP है। ये शुरू से लेके अब तक ये डिश TV जो है इसी TP के ऊपर जो है सेट होता आ रहा है। तो आज भी इस भी हो रहा है, अभी मेरी 53% जो है वो अपलोडिंग होगी है, इसकी जो फाइल है सॉफ्टवेयर की वो इंस्टॉल हो रही है, क्योंकि अभी इसको नए को मैंने एक्टिव किया है। तो नया ये डिश TV एक्टिव हो रहा है, ये HD है, तो अभी ये एक्टिव हो रहा है, ये देखते हैं जी। 60% हो गई है, जैसे ये कंप्लीट होगा इसको सॉफ्टवेयर ऑन ऑफ होगा उसके बाद चैनल जो है मेरे वो कंप्लीट चलेंगे आपके सामने HD। क्योंकि जब नया रिसीवर लाते हैं तो उसके अंदर हमें 1 माह का डिश टीवी का कार्ड भी मिलता है HD का। और उसके बाद जनाब ये मेरी 70% जो है मेरा इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड जो हो रहा है इसका वो 70, 75, 80% हो चुका है, 81% हो चुका है। तो देखते हैं और कितना टाइम लेता है, ये 83, 85, 84% हो गया जी। तो अभी ये 88% हो गया, देखते हैं बस, बिल्कुल सॉफ्टवेयर जिसका है इंस्टॉल होने के करीब करीब है बिल्कुल। ये 98% हो गया, तो जनाब अभी ये सॉफ्टवेयर तकरीबन होने वाला है जी। ये देखें अब ये जल्द हो जाएगा, क्योंकि पहले सॉफ्टवेयर डाउनलोड हुआ, अब ये इंस्टॉल होना शुरू हो गया इसके अंदर। आप दोस्त चेक कर सकते हैं मुकम्मल अपडेट आप दोस्तों को डिश TV ओरिजिनल की दे रहा हूँ। अगर कोई दोस्त नया बॉक्स लेके आता है तो उसको नहीं समझ आती, तो यहाँ से वीडियो देख के आप दोस्त भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। नया बॉक्स एक्टिव करने का तरीका कम्प्लीट इसके अंदर वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। डिश TV उन्हें पहले सबसे पहले सेट करना है, अगर सेट नहीं होगा तो ये कभी भी इंस्टॉल नहीं होगा। तो ये देखें जी, बिल्कुल 100% हो गया। तो जनाब ये देखें जी, अभी ये मेरा रीसेट होके ऑन ऑफ होके लोडिंग पे आएगा, दोबारा से ये जो है दोबारा कंप्लीट जो है अपडेट हो जाएगा। तो अभी ये देखें लोडिंग, प्लीज़ वेट, अब ये लोडिंग पे लगा हुआ है। तो जनाब लोडिंग पे लगा हुआ जी, प्लीज़ वेट। तो उसके बाद जनाब मेरा बॉक्स ऑन होगा, तो जनाब बेला ये मेरा बॉक्स जो है ये ऑन हो गया जी बॉक्स। देखें तो डिश TV देखें, चेक करें, डिश TV मेरा ऑन हो गया जनाब। तो आपको मैं चैनल चेक करवा दूं इसके, ये जनाब इसके चैनल जो हैं इसके चैनल प्ले होना शुरू हो गए हैं। तो देखें जी ये चैनल है सोनी मैक्स, सोनी सब, सोनी सेट, सब के सब HD चलते हैं। इसकी खास बात है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ HD चैनल चलते हैं, HD चैनल इसमें नहीं चलते, HD चलते हैं। एन पिक्चर TV HD है, स्टार गोल्ड HD है, ZTV HD है, ये ZTV HD है, चेक कर लें आप दोस्त, ZTV HD है।
और जी टी वी सादा नहीं चलेगा, स्टार प्लस एच डी चलेगा, सादा नहीं चलेगा, ये लीकेज एच डी है, इसमें कोई फ्यूजिंग नहीं, कोई स्टील वाला चक्कर नहीं है, ये कार्ड वाला होता है। तो आपके सामने जनाब कोई और चैनल चला के देखते हैं जी, तो जनाब ये चैनल देखें जी स्टार भारत एच डी, ये भी कम्प्लीट चल रहा है आपके सामने, स्टार भारत एच डी जो है ये भी चल रहा है। और उसके बाद जनाब ये बॉक्स पड़ा है, ये आपके सामने वही बॉक्स है देखें जो आपको दिखाया है कि वही चल रहा है। और यहाँ देखिए जी स्टार भारत जो है एच डी वो चल रहा है, और चैनल लगा लेते हैं कोई और जनाब, यहाँ पर हम कलर लगा के देखते हैं जी कलर एच डी, तो जनाब देखते हैं जी कलर एच डी चल रहा है, ये देखिए जी कलर एच डी भी चल रहा है, ठीक है जी कलर एच डी। उसके बाद सादा देखे नहीं चलता, तो यहाँ पर चैनल कोई और लगा लेते हैं जनाब, यहाँ से लगा लेते हैं जी, ये चैनल लगाया, इसमें सिर्फ और सिर्फ एच डी चैनल चलेंगे, सादा चैनल जो होगा वो बिल्कुल नहीं चलेगा। दोस्तों यहाँ पे कोई और चैनल लगाते हैं जी, इसके बाद देखते हैं वो जी सेलमा चेक कर लेते हैं या फिर कोई और चैनल चेक कर लेते हैं, तो जनाब देखते हैं जी ये चैनल आ गए जी, आ गए जी जी सेलमा एंड पिक्चर टीवी, ये एंड पिक्चर टीवी तो प्ले हो गया एच डी, ये सादा नहीं होता। और उसके बाद जनाब देखते हैं जी चैनल जी सेलमा, ये आ गया जी, ये जी सेलमा आ गया। तो अभी ये देखें आपके सामने ओके है, ऑन है, एच डी है, ये है रीजनल डिश टीवी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब।